साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दो साल से अधिक समय से दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। अभी इससे पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि एक नया वायरस मंकी पॉक्स दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना जा रहा है। आखिर क्या है मंकी पॉक्स और कैसे फैलता है, इसका संक्रमण किस तरह से हमला करता है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोविड के बाद मंकी पॉक्स ने दी दस्तक। कई देशों में तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स, चेचक के समान एक दुर्लभ संक्रमण। मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है बीमारी। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस के चलते अलर्ट, मंकी पॉक्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी हुआ घोषित। चिकन पॉक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जी हाँ, जिसे चेचक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपने मंकी पॉक्स का नाम सुना है? कोविड से दुनिया भर के लोग अभी पूरी तरह उभर भी नहीं पाए हैं कि एक नई दुर्लभ बीमारी ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। देश में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने से सभी अलर्ट हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है ताकि लोग इस बीमारी से बच सकें। मंकी पॉक्स के 80 देशों में फैलने की जानकारी सामने आ रही है। देश में 2-3 केस सामने आने के बाद सभी प्रदेशों में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दूसरे देशों के साथ भारत में अब तक इससे संक्रमण फैलने लगा है, लेकिन ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका में ये बीमारी पांव पसार रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल मिलाकर मंकी पॉक्स के 100 से अधिक संदिग्ध और पुष्ट मामले सामने आए हैं। वहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में भी इस बीमारी के संभावित संक्रमणों की जांच की जा रही है, जिसमें मृत्यु दर 10% तक हो सकती है। क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स कहा गया। जबकि मंकी पॉक्स से इंसानों में संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। ये रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है और कभी कभी अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाता है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकी पॉक्स आम तौर पर बुखार, दाने और गांठ के जरिए उभरता है और इससे कई प्रकार की चिकित्सा जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 2-4 सप्ताह तक दिखते हैं, जो अपने आप दूर होते चले जाते हैं, पर मामले और गंभीर भी हो सकते हैं। वर्तमान संक्रमण के दौरान मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। कैसा होता है इसका संक्रमण? जानकारी के अनुसार मंकी पॉक्स का वायरस नाक, मुंह और आंख से शरीर में प्रवेश करता है। वर्तमान में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना छोड़ दिया है। यही कारण है कि ये वायरस फिर से अटैक करने लगा है। लोगों को इससे बचे रहने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। कुछ भी चीज पीने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए ताकि इस वायरस से दूरी बनी रहे। बताया जाता है कि मंकी पॉक्स में शरीर पर घाव जैसे निशान हो जाते हैं, जिसमें से वायरस दूसरे लोगों के नाक, मुंह और आंख में प्रवेश कर जाता है। तो वही मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। ऐसा माना जाता है कि ये चूहो, चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवरों से फैलता है। ये बीमारी घाव, शरीर के तरल पदार्थ,
श्वसन बूंदों और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के माध्यम से फैलता है। ये वायरस चेचक की तुलना में कम संक्रामक है और कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है। वैसे तो इनमें से कुछ समस्या होने पर जरूरी नहीं कि मंकी पॉक्स ही हो, लेकिन इसी प्रकार के लक्षण पीड़ित व्यक्ति में नजर आते हैं। इसीलिए अगर इस प्रकार के लक्षण किसी में नजर आए तो उससे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति को छूने से भी फैलती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई मामला सामने आता है तो राज्यों और जिलों में बने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत सैंपल को ICMR NIV के पुणे स्थित लैब में भेजा जाएगा, जहां सैंपल की जांच होगी। मंत्रालय की गाइडलाइन में बीमार और उसकी देखभाल, जांच मैनेजमेंट आदि पर ध्यान देने की भी बात कही गई है। गाइडलाइन में मरीजों की देखभाल और नए मामले की पहचान पर भी जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बीमारी के वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने से रोकने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए और कौन कौन से उपाय अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। एक और महामारी ने दस्तक दे दी है, क्या यह भी महामारी है या सिर्फ एक मामूली सा वायरस है? अभी इस पे शोध चल रहा है और इसको लेकर लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि पहले ये कुछ देशों तक अपनी पहुंच बना पाया था, लेकिन अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। WHO ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है और लोगों को ना घबराने की नसीहत दी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।